Hello everyone, today we will cover the chapter 17 of ancient history. Okay, the name of the chapter is Harappan crafts and industries. Okay, and humne town planning and civilization ki khoj kisne wagaira ki wo humne pehle previous chapters mein apne dekh liya hai. To ab crafts ke bare mein baat karenge, theek hai. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ये जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. उसके बाद कॉपर का यूज़ फ्रिक्वेंटली होता था इसमें, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ये जो टूल्स वगैरह जो बनाते थे उसमें कॉपर का यूज़ होता था, और कॉपर से फिर ये ब्रॉन्ज बनाते थे, ठीक है. आपको पता है ना ब्रॉन्ज में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो टिन यूज़ होता है और एक कॉपर यूज़ होता है, ठीक है. इन दोनों की मदद से ये फिर ब्रॉन्ज बनाते थे और फिर उसके टूल्स बनाते थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है. तो इसमें दो बातें देखी हैं, ब्रॉन्ज एज था, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और टिन और कॉपर का यूज़ करके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ये बनाते थे, ठीक है, और ये टूल्स वगैरह ये बनाते थे, ठीक है. उसके बाद जो टूल्स एंड वेपन्स थे वो सिंपल फॉर्म में ही होते थे, जैसे आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में कितने सिंपल से हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप में नहीं है. और मेनली क्या क्या होता था इनमें, एक्सिस होते थे, शीसेल्स होते थे, एरो हेड होती थी, ठीक है, जैसे कि वो धनुष के तीर वगैरह नहीं होते हैं वो, ठीक है, और स्पीयर हेड्स होते थे, नाइफ्स, चाकू वगैरह, सो, ठीक है, आरी, रेजर एंड फिश हुक्स होती थी, ठीक है. तो ये टूल्स थे हड़प्पन के. उसके बाद बात करते हैं जो लोग ब्रॉन्ज एंड कॉपर के जो है वो वेसल्स बनाते थे यहाँ पे, क्योंकि ब्रॉन्ज यूज़ होता था ना टूल्स बनाने में, तो फिर उनके लोग वेसल्स भी बनाते थे ताकि उसमें पानी भर कर रख सकें, ठीक है. स्मॉल प्लेट्स बनाई जाती थी, वेट्स ऑफ द लेड बनाए जाते थे, और गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी भी बनाई जाती थी, ठीक है, बहुत सोफिस्टिकेशन मैनर में. उसके बाद हड़प्पन जो थे वो कंटिन्यू उन्होंने यूज़ किया नाइफ्स का, ऑफ सर्ट ब्लेड्स, ठीक है. ग्रेट स्किल एंड द एक्सपर्टाइज हैव बीन सीन इन प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन बीड्स एंड द वेट्स. तो आपको यहाँ पे प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि वो अपनी कारीगरी में यूज़ किया करते थे. लॉन्ग बैरल शेप्ड कॉनिल लियन बीट्स का भी यूज़ होता था, ठीक है. ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती थी, और बहुत फाइन एग्जांपल है ये क्राफ्टमैनशिप का, वो इसे यूज़ किया करते थे, ठीक है. उसके बाद स्टिटाइल यूज़ होता था इनके ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि सील्स, बीट्स वगैरह बनाने में, ब्रेसलेट्स में जैसे बीट्स वगैरह यूज़ हो गए, नेकलेसेस वगैरह, वेसल्स, बटन्स, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें ये यूज़ करते थे, लेकिन ये जो फेनेंस बनाते थे, मतलब ग्लास का एक टाइप फॉर्म है, तो उसमें भी ये यूज़ सारी चीज़ें करते थे, ठीक है. उसके बाद गोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो फाउंड हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ बीट्स, पेंडेंट्स, ठीक है, वो नेकलेस में जो पेंडेंट डलता है ऐसे, ठीक है, वो, और एम्यूलेंस जो बाजू पे डाला जाता है, ब्रॉचेस एंड द अदर स्मॉल ऑर्नामेंट्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो गोल्ड ऑब्जेक्ट्स इन सब में फाउंड हुए हैं. उसके बाद हड़प्पन गोल्ड जो है वो लाइट कलर का है, और इंडिकेटिंग द हाई सिल्वर कंटेंट. तो ये जो इनका गोल्ड है वो लाइट कलर का होता था, जैसे आप गोल्ड देख सकते हैं वो डार्क येलो कलर का होता है ना, या आप गोल्डन कलर भी कह सकते हैं, लेकिन इनका जो था वो लाइट कलर का था. बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाई सिल्वर कॉन्टैक्ट पर इसमें भी देखने को मिलता है. मैच्योर हड़प्पन पॉटरी जो है वो रिप्रेजेंट करती है ब्लेंड ऑफ द सिरामिक ट्रेडिशन ऑफ द प्री हड़प्पन कल्चर ऑफ बोथ वेस्ट ऑफ द इंडस रीजन एज वेल एज द सरस्वती रीजन. जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से मान लीजिए इंडस रिवर बह रही है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, थीके? और यहाँ पे सरस्वती बह रही है, और फिर यहाँ पे हमारी गंगा और यमुना, और फिर ये मिल जाती थी एक जगह पे जाके, ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो हड़प्पा पॉटरी थी ना, ठीक है, जो ये बनाते थे पॉट्स वगैरह, तो वो जो है जो वेस्ट ऑफ इंडस चलता था और सरस्वती रीजन के जो इधर चलता था, वो दोनों सिमिलर ही थे, एक जैसे ही बनाते थे, ठीक है. उसके बाद पॉटरी टेक्नोलॉजी थी जो वो बहुत एडवांस टाइप की थी, ठीक है. पॉट्स वगैरह जो थे वो
मोस्ट ऑफ द पॉट्स वर व्हील मेड, ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। बिग स्टोरेज जार बनाया करते थे वही जो ग्रेन्स वगैरह उसको स्टोर करने के लिए, फिर उसको ब्लैक कलर के पेंट से रंग दिया जाता था उसके, ठीक है, ऑन द रेड सरफेस, मतलब जैसे ये इन्होंने पॉट बनाया, ठीक है, तो उसके ऊपर पहले रेड सरफेस, ये रेड सरफेस ही होता था, जैसे कि मतलब कच्चा था तो मिट्टी का बनता था, लेकिन वो उसको पका के जैसे भी वो रेड कलर का सरफेस हो जाता है ना पॉट का, आपने देखा भी होगा, तो इसके ऊपर वो ब्लैक कलर करते थे, ठीक है। ब्लैक कलर करने के बाद उस पर डिज़ाइन बनाए जाते थे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फ्यू पेंटिंग्स, ये सभी चीज़ें जो स्टोरीज को डिपिक्ट करती हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें इस पर बनाई जाती थी। और 2500 से ज़्यादा सील्स जो हैं वो ऐसी फाउंड हुई हैं जो कि मेड ऑफ स्टील टाइल्ड है, एंड उसके ऊपर भी जो है एनिमल, यूनिक कौन बुल देखने को मिला है, एलिफेंट, राइनोसोर, इसका मतलब ये सभी जानवर उस टाइम थे, तभी तो वो देख के ये बनाया करते थे, ठीक है। और वहाँ पे उनको इन सील्स पे ट्री, सेमी ह्यूमन मतलब आधा आदमी, जैसे पैर पैर बना दिए, ऊपर नहीं सिर नहीं बनाया, या सिर बना दिए या नीचे वाला पोर्शन नहीं बनाया, लेग्स वगैरह, ठीक है, और ह्यूमन फिगराइन पूरा ही बना दिया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें भी इन चीज़ों में देखने को मिली हैं, ठीक है। शेल वर्किंग वॉज अनदर फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, मतलब शेल्स वगैरह का भी काम किया जाता था, और आर्टिसन सेटलमेंट्स थी जो वो सी के क्लोज ही थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एंड क्योंकि सी के पास होगी तो शेल्स वगैरह तो सी से ही मिलते हैं ना, तो उनके ही ऑर्नामेंट्स फिर बनाए जाते थे, पेंडेंट्स वगैरह, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, बीड्स वगैरह के, ये सभी, और फिर लेडीज़ वगैरह ये सब इन्हें डालती थी, ठीक है। और क्या क्या बनाए जाते थे, बाउल्स बनाए जाते थे, लैडल्स बनाए जाते थे, और गेम्समैन बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की यहाँ बात होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में लार्ज स्केल ट्रेड भी होता था, मैंने आपको बताया था कि लोथल में जो कि गुजरात में है, वहाँ पे डॉक यार्ड मिला है, बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में, तो वो किस लिए थी, क्योंकि ट्रेड होता था, वहाँ से शिप्स वगैरह आती थी, उतरती थी, फिर वहाँ पे रोक दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड भी काफ़ी फ्लरिश हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एलिगेंट सोशल स्ट्रक्चर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो हाईली डेवलप्ड टाइप का था, तभी हमने बात की थी ना टाउन प्लानिंग एक डेवलप्ड अगर सोसाइटी है तो वही टाउन प्लानिंग के बारे में सोच सकती है ना। तो उस टाइम के जो आदमी थे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका हाई था, और कम्युनिकेशन मेथड और स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी, ठीक है उनकी। और ट्रेड जो था उनका इंटरनल था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जो है वो दूसरे देशों के साथ भी करने लग गए थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था उनका, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये सभी चीज़ें ट्रेड में यूज़ होती थी और लार्ज स्केल पर होती थी। और अगर इनमें पूछ लिया जाए क्या क्या चीज़ें थी रॉ मटेरियल में यूज़ होने वाली, कॉपर और स्टोन, सेमी प्रीशियस शेल्स वगैरह, ये सभी चीज़ें आती थी। उसके बाद बिसाइड्स द रॉ मटेरियल के अगर अलावा बात की जाए तो ट्रेड में और क्या क्या चीज़ें थी, फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ मेटल्स थे, जिनमें पॉट्स एंड पैन, वेपन्स वगैरह की बात की जाती है, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बात हमने कर ली है, बीड्स वगैरह, पेंडेंट, एम्यूलेंट्स, ठीक है। ऑर्नामेंट्स जो होते थे वो गोल्ड एंड सिल्वर के भी ट्रेड किए जाते थे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो कुछ एरियाज़ है जहाँ पे कुछ चीज़ें फेमस है तो वो देख लेते हैं। कॉपर आपको खेतरी माइंस राजस्थान में मिलता है, ये अभी भी अबंडेंट है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है खेतरी माइंस कहाँ पर है राजस्थान में और किस के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शर्ट ब्लेड्स जो थे वो रोहरी हिल्स में मिलते थे, सिंध में, ये पाकिस्तान में है जगह, ठीक है। उसके बाद कार्निलियन बीड्स जो थे वो गुजरात एंड सिंध दोनों में, क्योंकि ये सी के पास लगते हैं इसीलिए ये यहाँ से बीड्स निकाल के ट्रेड किया करते थे। उसके बाद लेड जो है वो साउथ इंडिया में आपको मोर देखने को मिलेगा। उसके बाद लैपिस लाजुली, ठीक है, ये एक तरह का ब्लू स्टोन टाइप का पत्थर टाइप से होता है, फिर उसके बीड्स वगैरह अलग अलग यहाँ स्टोन्स बना के ये ट्रेड किया करते थे, और ये आपको ज़्यादातर मिलेगा कश्मीर एंड अफ़गानिस्तान में, मीन्स जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे, टर्क्यूआइस एंड द जेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईरान। तो ये जो ब्लू कलर का होता है ना
ब्लू कलर के जो बीड्स वगैरह होते थे, जेड्स, ये सभी ईरान वगैरह से मिलते थे, ठीक है। उसके बाद एमिथिस्ट जो मिलता था वो महाराष्ट्र से, और अगेट कालकेडोनी और कालनी लीनियर जो है सौराष्ट्र गुजरात से मिलते थे। उसके बाद अक्रेंस जो थी ऑफ मैच्योर हड़प्पन सील्स की, मतलब यहाँ पे सील्स की और आर्टिफैक्ट्स की बात हो रही है, ये जो थी कंटेप्रेरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी मिला करती थी, और जो सम ऑफ द मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन ऑब्जेक्ट थे इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको एक बारी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से छोटी थी, मीन्स हड़प्पन सबसे बड़ी थी, और अगर इजिप्शियन वाली और मेसोपोटामियन वाली को भी मिला ले तब भी ये दोनों छोटी थी हड़प्पन से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें ये बोला गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना इन दोनों के जो स्टोन्स वगैरह ट्रेडेड माल है वो भी पाया गया है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये चीज़ें आया करती थी ट्रेड में, है ना, मतलब ट्रेड होता था। एविडेंस ऑफ द मेसोपोटामियन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं हड़प्पन में एंड हैड ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की भी बात की गई है, डॉक्यूमेंट्स भी मेसोपोटामियन के हड़प्पन में पाए गए हैं, इससे ये पता चलता है कि ट्रेडिंग रिलेशनशिप दोनों में थे, ठीक है। उसके बाद वेट्स एंड मेजर की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि ये जो है एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता था, और वेट मतलब वेट एंड मेजर जो थे ट्रेड में एक्सचेंज के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे नाप तोल नहीं करते कि इतना माल रखो ऊपर, इतने किलो हो गया ये वो, ऐसे है ना। और उसके बाद हड़प्पन वेट्स एंड मेज़र थे जो वो क्यूबिकल एंड स्फेरिकल शेप के थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि कौन सी शेप्स में होते थे। अब जैसे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कुछ भी बना होता है 50 किलो का, है ना, कुछ ऐसे कुछ बने होते हैं वेट्स वगैरह, है ना। तो ऐसे इनके जो होते थे वो क्यूब की फॉर्म में होते थे, ठीक है, और स्फेरिकल फॉर्म में होते थे, ठीक है। उसके बाद ये बने किसके होते थे, इसके बारे में हमने बात की ना, जो अदर सब ऑब्जेक्ट बने होते थे, शर्ट्स, जैस्पर और अगेट, है ना, तो इन्हीं चीज़ों के ये वेट्स और मेजर्स बने होते थे। उसके बाद सिस्टम ऑफ वेट्स जो थे वो सीरीज में कैसे थे, फर्स्ट डबलिंग फ्रॉम द, जैसे ए वन ले लिया, वन का 1+1 2, और फिर 2+2 4, 4+4 8, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चलते अप टू 64 था, एंड देन गोइंग टू 160 तक, ऐसे ही चलता था डबल डबल में, ठीक है। और डेसिमल मल्टीपल्स ऑफ 16, डेसिमल मल्टीपल चलता था 16 का, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेट्स उनके कैसे कैसे डिफाइन किए गए हैं, तो ये दोनों बातें याद रखनी है, फर्स्ट डबलिंग, ठीक है, और सेकंड डेसिमल मल्टीपल्स ऑफ 16, ओके, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिशन ऑफ 16 और इट्स मल्टीपल कॉन्टिन्यू टिल 1950। तो ये जो थी प्रथा जो उस टाइम पे चला करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, 16 वाला सिस्टम, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 16 वाला, वो 1950 तक चला, मींस आज के टाइम तक, है ना, 1950s कोई ज़्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी 1947 में ही तो हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद तक ये चला, ठीक है। 16 चातंक मेड अ सर एंड 16 आनास मेड 1 रुपीस, तो ये बताया हुआ है कि कितने कितने रुपीस कितने के इक्वल हैं, है ना। जैसे आज हम मॉडर्न एरा की बात करें तो आजकल $1 कितने का चल रहा है, 72 रुपीस का, है ना। तो ऐसे ही ये बताया हुआ है कि 16 आने जो थे वो 1 रुपी बनाता था, और ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेजर ऑफ द लेंथ वॉज बेस्ड ऑन द फुट ऑफ द 37.6 सेंटीमीटर एंड क्यूबिक ऑफ द इतने, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल की बात करते हैं, पिक्चर ऑफ द शिप्स एंड बोट्स जो है वो सील्स के ऊपर बनाई हुई मिली है, ड्राइंग जो है पॉटरी के ऊपर बनाई हुई मिली है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो दोनों से, क्योंकि हमने पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा को पहले खोजा गया था, और मोहनजोदाड़ो भी जो है वो भी एक बिग साइट है, ठीक है, इसी की ही। उसके बाद शिप्स और बोट्स की भी पिक्चर जो है सील वगैरह पे देखने को मिली है। शिप और अ बोट विद अ स्टिक इम्प्रेस्ड सॉकेट फॉर द मस्ट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल। लोथल में जैसे कि मैंने आपको बात की थी कि डॉक यार्ड मिला है ना, लोथल गुजरात में है, तो वहाँ पे भी शिप्स वगैरह के ये दोनों के एक्स
एक्सकवेशन जो हैं वो मिले हैं। बोट डिपिक्टेड ऑन द सील एंड पॉटरी एग्जाम्पल विद द पॉट यूज इन द सिंध एंड द पंजाब एरिया इवन टूडे, मतलब उस टाइम की जो सिंध और पंजाब में बोट्स वगैरह यूज़ की जाती थी जो सील्स पे मिली हैं वो दोनों जो है रिजेंबल करती हैं, ठीक है, आज के टाइम पे भी। उसके बाद फोर लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट से क्या क्या मतलब ट्रेड किया जाता था, किन किन चीज़ों पे, बुलक कार्ट्स तो फेमस थे ही, पैक एनिमल्स लाइक द बुल कैमल एस, ये जो थे ये तीनों यूज़ किए जाते थे ट्रेड को ढोने के लिए, ठीक है, सीधी सी भाषा में बात कर रहे तो, ठीक है। और टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द बुलक आर्ट जो है वो फाउंड्स होते हैं रोड्स के ऊपर, फ्रॉम द वेरियस साइट इंडिकेट्स दैट द कार्ट्स यूज इन दोज एरियाज वर ऑफ द सेम साइज शेप एंड द शेप यूज इन द प्रेजेंट डे। तो उस टाइम पे भी जो बुलक आर्ट्स बनाई जाती थी वो आज भी यूज़ की जाती है उसी शेप एंड साइज़ की, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है और टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं बुलक आर्ट्स के, ठीक है। तो ये तो था क्राफ्ट्स एंड ड्रेसेस के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर में 18 में हम बात करेंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।